मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्व सहायता समूह के सदस्यों को लगभग 300 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वितरण कर स्व सहायता समूह के सदस्यों से संवाद किया तो श्योपुर जिले की बहन श्रीमती सरोज वैरबा ने बताया कि वो 5 महीने से AM प्रसादम भोजनालय और रेस्टोरेंट संचालित करती है। वो प्रतिदिन 15 से 20 हजार रुपए कमा लेती है। उनके समूह से 10 बहनें जुड़ी हैं और प्रति महीने एक परिवार 10 से 12 हजार रुपए कमा लेता है। ये AM प्रसादम क्या है, जरा समझाओ तो हमें। मामा जी, AM का प्रसादम का मतलब आजीविका मिशन। हाँ हाँ, ताली बजाओ, मैं समझ ही नहीं रहा था कि ये कब से चला रहे हैं आप ये प्रसादम। मामा जी, हमें इसे चलाए 5 महीने पूरे हो चुके, ये 6ठा महीना चल रहा है। विचार कैसे आया कि दीदी कैफे या AM प्रसादम खोले? सबसे पहले तो आपकी वजह से विचार आया मामा जी। प्रसाद वहीं पाना है, क्या क्या बनता है प्रसादम में? क्या क्या खिलाते हैं? नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता खिलाते हैं, सुबह 7 बजे से शुरू कर देते हैं। हाँ। और रात को 11 बजे तक भोजन चलता है हमारे यहाँ पे। 11 बजे तक कितने लोग आ जाते हैं एक दिन में लगभग भोजन करने या नाश्ता करने? यहाँ पे 500-600 लोग आ जाते हैं। और कितनी आमदनी हो जाती है एक दिन में? एक दिन में 15 से 20 हजार की आमदनी हो जाती है। अरे वाह, ये तो गजब है भाई। अच्छा, कितनी दीदियां लगी इस काम में? 10 दीदियां लगी हुई है। श्रीमती सरोज ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को सपत्निक अपने भोजनालय में पधारने का आमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और सरोज जी ने भी प्राप्त सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। हम केवल आश्रित नहीं रहे, तो महिलाओं के प्रति देखने की जो दृष्टि थी वो दृष्टि अब बदल गई है। मैं बहुत बधाई देता हूँ सरोज आपको, सारी दीदियों को। मामा जी,